वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट एंड आई कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइम के बारे में हमने समझा था, क्विक लाइम, हाइड्रोटिक लाइम, पुअर लाइम और आर्टिफिशियल हाइड्रोटिक लाइम के बारे में, ठीक है। उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक अनदर क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम बेस्ड ऑन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 712, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम पर BIS 712। ये भी काफी बार GTU में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की क्लासिफिकेशन अंदर हमने लाइन को ABCDEF ऐसे 6 पार्ट में ABCDEF, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक टेबल फॉर्मेट में ले लेता हूँ, ठीक है, थियरी पोर्शन को पूरा। यहाँ पे क्लास ए की बात, क्लास की बात करते पहले, तो क्लास ए, ठीक है, देन आएगा हमारा क्लास बी, देन क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड इन लास्ट क्लास एफ। अब ये थे क्लासेस उसके, ठीक है। अब टाइप्स किसके हैं, जो लाइन हम यूज करने वाले उसके टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो टाइप्स है वो सबसे पहले आएगा आपका एमिनेंटली हाइड्रेटेड लाइन, ठीक है। क्लास ए की बात करूं मैं तो एमिनेंटली हाइड्रेटेड लाइन, क्लास बी की बात करूंगा मैं तो वो होगा आपका सेमी हाइड्रेटेड लाइन, क्लास सी की बात करेंगे तो उसके अंदर फैट लाइन आएगा, क्लास डी की बात करें तो उसमें सिमिलर टू फैट लाइन, सिमिलर टू फैट लाइन मतलब प्रॉपर्टी उसकी सेम फैट लाइन जैसे रहेगी, ठीक है। क्लास ई की बात करूं मैं तो क्लास ई के अंदर कंकर लाइन आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अंदर सैंड पार्टिकल जैसे उनके अंदर कंकर्स होंगे, ठीक है, तो कंकर लाइन कहते हैं उसको। एंड इन लास्ट क्लास एफ के अंदर जो मटेरियल है वो सिलिशियस डोलोमाइट लाइन कहलाता है, सिलिशियस डोलोमाइट लाइन। ठीक है, ये है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। हर एक के यूजेस की बात करूं मैं, यहाँ पे एरो इंडिकेट कर देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में रहेगा, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा ये। अब मैं बात करूं एमिनेंटली हाइड्रेटेड लाइन उसके यूजेस कहां पे होगा, तो ये जनरली जो क्लास ए का लाइन होता है एमिनेंटली हाइड्रेटेड लाइन, उसको हम जनरली कंस्ट्रक्शन पर्पस के अंदर यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। और ओके, कहां पे किया यूज हमने, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी हमें बनाना होगा, बीम, स्लैब, ये सब मटेरियल होगा उसके अंदर हम उसको यूज करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के अंदर यूज करेंगे। दूसरी चीज है सेमी हाइड्रेटेड लाइन। अब सेमी हाइड्रेटेड लाइन की बात करूं मैं तो वो हम जनरली मैसोनरी वर्क, ठीक है, ब्रिक मैसोनरी वर्क होता है उस टाइप के मैसोनरी वर्क के अंदर हम उसको यूज करेंगे। यहां पर मैं लिख दूंगा मैसोनरी वर्क। देन आफ्टर फैट लाइन की बात करूं, फैट लाइन की जब हमने प्रॉपर्टी की बात की थी क्विक लाइन, उसके अंदर ही मैंने आपको समझा दिया था कि इसको हम कहां पे यूज करते हैं, ठीक है, फिनिशिंग, व्हाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, ऐसे काम के लिए हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, फिनिशिंग मटेरियल, प्लास्टरिंग मटेरियल, व्हाइट वॉशिंग मटेरियल, उसके लिए हम लोग क्लासी फैट लाइन का यूज करेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं हम क्लास डी, क्लास डी सिमिलर टाइप की प्रोडक्ट है फैट लाइन की, तो इसके यूजेस भी ऑब्वियसली सेम रहने वाले प्लास्टरिंग के लिए, ठीक है।
अब बात करते हैं कंकर लाइन। कंकर लाइन के अंदर बात करें तो आपने नाम कैसे पता होगा, कंकर लिखा है, ठीक है। तो मैसोनरी मोर्टार के अंदर जो मैसोनरी वर्क हम करने वाले उसके अंदर जो मोर्टार यूज करेंगे, ठीक है, तो मैसोनरी मोर्टार के लिए हम कंकर लाइन प्लस की टाइप यूज करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मैसोनरी मोर्टार मेकिंग के अंदर, सिलिशियस डोलोमाइट मैस के अंदर, ठीक है, सिलिशियस डोलोमाइट की बात कर रहा हूं मैं। तो वो फिनिशिंग कोट जो हम लास्ट में लगाते हैं या फिर अंडरकोट के अंदर, ओके, जैसे हम लोग पुट्टी उट्टी लगाते लास्ट में जो सर्फेसिंग करते हैं वॉल के ऊपर, जब रफ सर्फेस है वहां पे हमको लास्ट में फिनिशिंग करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा काफी जगह पे वो लोग एक पतरे जैसा मटेरियल लेते हैं और उससे ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं जमीन को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। तो होता है हमारा सिलिशियस डोलोमाइट लाइन क्लास एफ, ठीक है, फिनिशिंग कोट और अंडर कोट के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 712, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लेकिंग एंड सेटिंग प्रोसेस, ठीक है। आपने जितने भी हाइड्रोलिक लाइन या फिर पीक लाइन उसके बारे में जब स्टडी किया था उसके अंदर स्लेकिंग और सेटिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे हम फिर से वही टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं और उसकी डिटेल में जाते हैं कि स्लेकिंग प्रोसेस को कैसे करते हैं, उसकी कौन कौन सी मेथड है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लेकिंग की बात कर रहा हूँ। स्लेकिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर दो टाइप के हम लोग मटेरियल लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्विक लाइन और दूसरा रहेगा हमारा हाइड्रोलिक लाइन, ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्विक लाइन की बात करूं मैं तो क्विक लाइन के अंदर भी स्लेकिंग के लिए अलग मेथड है, ठीक है, तीन मेथड है टोटल क्विक लाइन की। कौन सी मेथड है? पहली तो हमारी प्लेटफॉर्म स्लेकिंग, दूसरी मेथड है हमारी बास्केट स्लेकिंग और थर्ड मेथड है हमारे पास टैंक स्लेकिंग। ठीक है, अब ये तो हो गई बात क्विक लाइन की। हाइड्रोटिक लाइन की बात करूं मैं तो उसके अंदर दो मेथड आएगी, वो दो मेथड है, पहली तो प्लेटफॉर्म स्लेकिंग सेम, और जो हमारी दूसरी मेथड है उसका नाम है प्लांट स्लेकिंग। ठीक है, ये है अपना पूरा फ्लो चार्ट ऑफ स्लेकिंग का, ठीक है, स्लेकिंग प्रोसेस के लिए। अब सेटिंग प्रोसेस की बात करूं तो क्विक लाइन के अंदर तो आपको सेटिंग पता ही है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। जब जैसे ही हम उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेगा एटमोस्फेयर का जो CO2 होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी स्लेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसके अंदर से क्रम्बलिंग साउंड आएगा, क्रम्बलिंग साउंड आने के बाद वो जो लम्स थे वो लम्स पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और वो पाउडर को हम लोग यूज कर सकते हैं मोर्टार के तरीके से, ठीक है। तो हो गई क्विक लाइन की सेटिंग की प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइन आपको पता है वो एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर भी सेट होता है, ठीक है, अंडर वाटर भी सेट होता है। इसके अंदर जो CaO होता है वो CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सेटिंग वाली वो कॉन्क्रीट से बराबर होती है, ठीक है, कॉन्क्रीट जितनी स्ट्रेंथ हमें देता है हाइड्रोलिक लाइन। तो सेटिंग प्रोसेस को हम लोग स्किप कर देते हैं और स्लेकिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि सेटिंग ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, स्लेकिंग की भी प्रोसेस आपको पता होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्विक लाइन की बात करूं तो स्लेकिंग प्रोसेस में आपको याद होगा कि हम लोग उसके अंदर पानी ऐड करते, पानी का छिड़काव करते, ठीक है, लम्स लेते, लम्स को ग्राइंड करते, ग्राइंड करने के बाद उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते। उसके कारण क्या होता है, पानी जैसे उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, एक्सपोजर में आएगा, वैसे ही उसके अंदर से स्टीम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द रिलीजिंग ऑफ हीट, ठीक है। उसके बाद यू कैन हियर द क्रैकिंग और क्रम्बलिंग साउंड फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है, आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम पीरियड दैट क्रम्बलिंग साउंड विल बी
stop, right? And then the lumps generally made of the 10 to 15 mm, okay, that lumps are going to convert it into the powder form, right? And that powder we will use to use as a mortar material in the, it's about quicklime, ठीक है, ये पूरी स्लैकिंग की प्रोसेस थी। अब एक एक मैं आपको जो ये जो पूरी मेथड थी वो थी आपकी रैपिड स्लैकिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब जो लाइन मटेरियल है उसके अंदर प्रॉपर नॉर्मल मेथड में स्लैकिंग हो रहा है उसकी बात है। बट कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जिसके अंदर स्लो स्लैकिंग होती है, बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। अब ऐसे मटेरियल को मुझे स्पीड में करना हो, ठीक है, स्लैकिंग उसका स्पीड में करना हो तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने आपको तीन मेथड बता दी है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म स्लैकिंग, बकेट स्लैकिंग एंड टैंक स्लैकिंग। मैं इसको आपको वर्बली समझाऊंगा, ठीक है, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स पॉइंट आउट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लेटफॉर्म स्लैकिंग की, ठीक है, प्लेटफॉर्म स्लैकिंग की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म स्लैकिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले तो जो भी लंप्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, थीके? जो लाइमस्टोन के लंप होंगे उसको मैं कलेक्ट करूंगा, वो लंप्स को मैं क्या करूंगा, वो लंप्स को मुझे ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में बनाना है और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको 50 mm थिक लेयर में रख देना है, ठीक है। लेयर कितना रखना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, 15 cm थिक, प्लेटफॉर्म स्लैकिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस 15 सेंटीमीटर थिक जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैंने लेयर बना दिया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पानी का छिड़काव करूंगा, ठीक है। वो पानी का छिड़काव करेंगे तो वैसे ही उसके अंदर स्लैकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। कैसे होती है स्टार्ट, उसके अंदर से आपको हीट या फिर स्टीम जनरेट होती दिख जाएगी और आपको कुछ ना कुछ क्रैकिंग साउंड उसके अंदर सुनाई देंगे, ठीक है। जैसे ही क्रैकिंग साउंड खत्म होते हैं वैसे आपकी स्लैकिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी और जो लंप्स होंगे, जो 15 mm थिक पेस्ट बनी उसके जो लंप्स होंगे वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो पाउडर फॉर्म में जो भी लंप्स कन्वर्ट हो गए वो लंप्स को मैं क्या करूंगा, 24 आवर्स बाद कलेक्ट कर दूंगा और उसी को मैं जो आईएस सीव होती है 320 वो आईएस सीव के में से छान लूंगा, ठीक है, सीव आउट कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा और उसके बाद उस मटेरियल को मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर कहीं पे भी एज अ मोर्टार मटेरियल में यूज कर सकता हूँ, ठीक है, एज अ मोर्टार मटेरियल में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स कौन सी, तो 15 सेंटीमीटर थिक लेयर है, कितने आवर्स के बाद हम वो पाउडर फॉर्म को कलेक्ट कर सकते, तो है 24 आवर्स। और 24 आवर्स के कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उसको उसको सीव आउट करना है, उसका सीविंग करना है। वो सीव कौन सी है हमारी, 320 अपनी जो आईएस सीव है उसके अंदर से हमें सीव आउट कर देना है। ये हो गई आपकी प्लेटफॉर्म स्लैकिंग की प्रोसेस, क्लियर। ये तीन मेन पॉइंट है, बाकी का जो वर्बल कंटेंट है वो आप लोग भर भर पे लिख सकते हो, मुझे आप पे यकीन है, ठीक है। अनदर वन इज बास्केट मेथड। बास्केट मेथड सेम, सबसे पहला स्टेज क्या होगा मेरा, बाहर से मैं जाके स्टोन लाइमस्टोन्स वगैरह कलेक्ट करूंगा, वो कलेक्ट किए हुए मटेरियल को मैं क्या करूंगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैं 15 से 30 mm के उसके छोटे छोटे लंप्स बनाऊंगा, ठीक है, पानी ऐड करके 15 से 30, 15 to 30 cm, सॉरी mm, बास्केट मेथड की बात कर रहा हूं, 15 to 30 mm के मैं छोटे छोटे लंप्स बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे वाटर टाइट प्लेटफॉर्म बनाना है। वाटर टाइट प्लेटफॉर्म किस मटेरियल का होगा, या तो वुडन होगा या फिर कॉन्क्रीट का होगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, टिम्बर या फिर कॉन्क्रीट का प्लेटफॉर्म। यहां पे काउंस में लिख देता हूं वुड और कॉन्क्रीट, ठीक है, प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ये जो मैंने लंप्स बनाए छोटे छोटे, वो लंप्स को मुझे बास्केट के अंदर रख देने, ठीक है, पूरा वुडन या फिर जो भी मटेरियल का होगा वो बास्केट में कलेक्ट करूंगा, बास्केट के अंदर में वो जो लंप्स है वो लंप्स उसके अंदर मुझे ऐड कर देने, ठीक है, बास्केट में। फिर वो बास्केट मुझे 2 to 3 hours के लिए, 2 to 3 hours के लिए मुझे क्या करना है, वो बास्केट को पानी के अंदर डाल देना है, ठीक है, और जो लंप्स थे वो बास्केट के अंदर है और बास्केट में क्या करूंगा, पानी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, पूरा ऊपर नहीं कर देना है, सिर्फ अंदर डाल देना है, तो मॉइस्चर होगा। अब वो बास्केट के अंदर मॉइस्चर कलेक्ट होगा और जो हमारे लंप्स थे वो क्या होंगे,
वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को और उसके अंदर क्रैकिंग और हिजिंग साउंड आपको सुनाई देंगे। उसके बाद वो लॉस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? ये जो मॉइस्चर कलेक्ट होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है, उसके बाद हिजिंग साउंड आएंगे आपके उसके अंदर। वो हिजिंग साउंड आने बंद हो जाए उसके बाद उस बास्केट को उठा लेना है, उसके ऊपर एक कवर रख लेना है थोड़ी देर के लिए। वो कवर क्यों रखना है? कि जो प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली प्रोसेस है, ठीक है, जिसके कारण हीट रिलीज होती है, ठीक है, वो हीट रिलीज होके निकल ना जाए, ठीक है, उसके लिए उसको बास्केट के अंदर ही रहे और उसका पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाए लाइन का, इसलिए उसको कवर अप कर देना है हमें बास्केट मेथड के अंदर, ठीक है। उसके बाद वही बास्केट से लेना है और उसको हमें जो भी लम्स थे उसको एक सिंकिंग फॉर्म में जो मटेरियल है उसको डाल देना है। जो जो लम्स होंगे वो नीचे आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। वो पाउडर फॉर्म का मटेरियल आप एज अ प्लास्टरिंग मटेरियल यूज कर सकते हो, ठीक है, एक पुट्टी के यूज में मटेरियल तरीके से भी यूज कर सकते हो, पुट्टी जैसा बन जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी बास्केट मेथड, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग टैंक स्लैकिंग की। बात करते हैं टैंक स्लैकिंग की, बात करूं तो उसके अंदर हम सुटेबल दो टैंक लेते हैं, ठीक है। पहली जो टैंक होगी वो ऊपर ग्राउंड के ऊपर होगी, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। एक टैंक आपकी ऊपर रहने वाली है यहाँ पे, और दूसरी जो टैंक होगी वो यहाँ पे नीचे रहने वाली है। ये आपका ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, और एक ऊपर और नीचे, ऐसे दो टैंक होगी आपकी। ये टैंक का जो डायमेंशन रहता है ये 40 सेंटीमीटर का रहता है, और जो दूसरी टैंक होगी उसका डायमेंशन होगा आपका 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो 40 सेंटीमीटर की जो आपकी टैंक है उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको एक हॉल दिया होगा, क्लियर। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की जो आपकी टैंक है उसके थर्ड फोर्थ पार्ट आपको इसके अंदर वाटर भर देना है, थर्ड फोर्थ पार्ट, ठीक है, थर्ड फोर्थ पार्ट। मतलब ये टैंक को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर लूंगा तो तीन पार्ट वाटर होगा, मतलब चार पार्ट में डिवाइड करने से 10 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर जितना यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है। इसका लेवल होगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब ये जो भी वाटर पार्ट है आपका यहाँ पे टैंक के अंदर, उसका हाफ, जितना भी वाटर का पार्ट है उसका हाफ आपको लाइम कंटेंट लेना है, लाइम स्टोन लेने, लाइम मटेरियल लेना है। वो लाइम मटेरियल आपको पानी की टैंक के अंदर ऐड कर देना है, क्लियर, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये कितना टोटल सेंटीमीटर होगा आपका, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर जितना लेयर पे मैं लाइमस्टोन ऐड कर दूंगा अंदर, ठीक है, राउंडेड पॉइंट से मैं दिखा रहा हूं। ये होगा आपका 15 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है, 30 सेंटीमीटर के आपका वाटर बॉडी। अब आपको तो पता ही है पानी के अंदर मैं लाइमस्टोन डालूंगा क्या होगा, सेम प्रोसेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी, हीट स्टीम ये रिलीज होगी, दूसरी चीज क्रैकिंग और हिजिंग साउंड सुनाई देंगे। जब तक खत्म नहीं हो जाते क्रैकिंग और हिजिंग साउंड तब तक आपको पानी के अंदर ही रखना है उसको, ठीक है। इस प्रोसेस को रखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोसेस है मेरी वो 2 to 3 days तक चलने वाली है, ठीक है, 2 to 3 days तक ये प्रोसेस मेरी चलने वाली है। सफिशियंट टाइम पहले हमें जो पानी के अंदर ऐड किया है वो 4 hours में, ठीक है, 2 to 4 hours तक मैं ऊपर वाली टैंक में रखूंगा। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ स्लैकिंग प्रोसेस के अंदर 2 to 4 hours जो पहले वाली टैंक है उसके अंदर ये मटेरियल, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली स्लैकिंग वाली प्रोसेस हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो भी यहाँ पे लाइम मिल्क होगा, ठीक है, पानी के अंदर है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे वाल्व होगा, मैंने जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये जो वाल्व है यहाँ पे, ठीक है, ये वाल्व ऐसे सेट करेंगे, ओपन कर देंगे जैसे 4 hours कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये नीचे का जो मिल्क होगा, लाइट मिल्क, ठीक है, व्हाइट कलर का मिल्क जैसा हो जाएगा पूरा लिक्विड, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दूंगा। अगेन ये खाली हो जाएगा, वापस मैं ये सेम प्रोसेस करूंगा और पूरी टैंक मेरी ऐसे लाइन मिल से भर दूंगा, ठीक है, जो 70 सेंटीमीटर वाली नीचे की जो अंडरग्राउंड टैंक है मेरी उसको मैं फिलअप कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं
तीन से चार दिन, ठीक है, तीन से चार दिन तक यहाँ पे स्टे करने दूंगा, उसको रहने दूंगा, ठीक है। जो बिलो टैंक है वहां पे मैं 2 to 4 days रह दूंगा, उसके बाद ये जो लैंड मिल होगा वो एक पुट्टी मटेरियल के तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, एक बैग में आपको पुट्टी के रूप में भी मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट पुट्टी होती है जिसके अंदर पानी ऐड करने का नहीं आता, ठीक है। दूसरी जो मैंने अभी बात की थी मटेरियल में, उसके अंदर पानी ऐड करते तो पुट्टी बन जाती है, ये ऑलरेडी मेड पुट्टी हमें मिलती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, यहाँ से इस तरीके से टैंक स्लैकिंग मेथड, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइन की। हाइड्रोलिक लाइन की जो प्लेटफॉर्म मेथड है वो सिमिलर टू दिस प्लेटफॉर्म मेथड, ठीक है, सेम मेथड है, बस यहाँ पे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम हाइड्रोलिक लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म फ्लेकिंग सेम है, सिर्फ हाइड्रोलिक लाइन यूज करूंगा मैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म फ्लेकिंग के अंदर। प्लांट स्लैकिंग की बात करूं तो प्लांट स्लैकिंग इज नथिंग ऑफ बिग डील, ठीक है, कुछ है नहीं ये। प्लांट स्लैकिंग मतलब हम हाइड्रोलिक लाइन काफी बड़ी सिटियों में क्या होता है, बड़ी जगह पे क्या होता है, डेवलप कंट्री के अंदर ये जो लाइन हमारे पास है, ठीक है, वो बैग में आता है, एज ए सीमेंट की बैग आती है जैसे 50 kg की, वैसे लाइन की बैग मिलती है, ठीक है। वहां पे बहुत बड़ा प्लांट होता है, वो प्लांट के अंदर हम लोग हाइड्रोलिक लाइन जनरेट करते हैं और उसकी प्रोसेस करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उसकी बैग मिलेगी आपको स्लेकिंग करने के बाद हाइड्रोलिक लाइन की, तो उसको मैं प्लांट स्लेकिंग कहूंगा, ठीक है। डायरेक्ट रेडीमेड रेडी टू यूज मटेरियल सिमिलर लाइक सीमेंट, ठीक है, वो मटेरियल मिला होगा प्लांट स्लेकिंग का। तो ये चीज दोस्तों आपकी स्लेकिंग प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रोसेस होगी आपकी, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब लास्ट टॉपिक में चैप्टर का बात करता हूँ, अपना पूरा लाइन का कंटेंट खत्म हो चुका है, अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, पोजोना मटेरियल, ठीक है, ठीक है। पोजोना स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो हमने अभी तक लाइन की बात की है उसके यूजेस कहाँ पे होंगे, तो उसके यूजेस मैं आपको बता देता हूँ। दो जगह पे उसके लाइन के यूज रहने वाले, एक तो होगा आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर, दूसरा होगा आपका अदर यूजेस। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कहां पे काम आने वाला है, सबसे पहले तो आपको पता होगा लाइम मोर्टार, लाइम सीमेंट, ठीक है, लाइम मोर्टार, व्हाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, डैम प्रूफिंग, ठीक है, ये सब जगह पे हम लोग लाइम का मटेरियल का यूज करने वाले। अदर यूजेस की बात करूं मैं तो कहां पे उसके अदर यूजेस होंगे, तो लाइम का वास्ट यूज होता है आपको सॉइल स्टेबिलाइजेशन के अंदर, सॉइल स्टेबिलाइजेशन, ठीक है, इंप्रूविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, अनदर टर्म है आपकी प्योरिफिकेशन के अंदर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्योरिफिकेशन के अंदर हम लाइम का यूज करते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन, उसके बाद लास्ट में आते हैं सेवर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो लाइम के इतनी जगह पे, इतनी सारी जगह पे उसके एप्लीकेशन है, उसका यूज है, ठीक है, फ्यूचर स्कोप है लाइम का। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर हमने क्यों पढ़ा लाइन का, तो ये है उसका फीचर स्कोप, इतनी सारी जगह पे उसका यूज होता है, इसके कारण हमें पढ़ना पड़ा। अब सॉइल स्टेबिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि काफी जगह पे सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्ट्रेंथ होती है, बैरिंग कैपेसिटी होती है, बहुत कम होती है, वो कम बैरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो, प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना हो, वैसे जगह पे मैं लाइन का यूज कर सकता हूँ। वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आप कभी विजिट करोगे, ठीक है, वहां पे आप लोग देखोगे कि लाइन को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर एज अ फिल्टर मटेरियल में लाइन को यूज करता हूँ, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर, और काफी जगह पे सेवर ट्रीटमेंट प्लांट के भी अंदर में इसका यूज करता हूँ लाइन का, ठीक है। तो ये थे उसके यूजेस। अब आ जाते हैं हम लोग पोजोलाना मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजोलाना।
व्हाट डू यू मीन बाय पोजोलाना मटेरियल एक्चुअली, ठीक है? पोजोलाना इज नथिंग बट द फाइन पाउडर विदाउट एनी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इन सॉल्ट, ठीक है? फाइन पाउडर मटेरियल है वो जिसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, इन नेचुरल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नेचुरल कंडीशन में आप लोग देखोगे वो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, या फिर क्ले डस्ट होती है, या फिर सूखी मटेरियल होता है जो ब्रिक बन करके उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वैसी कंडीशन के अंदर आप लोग, हाँ दूसरी चीज आर्टिफिशियल की बात की मैंने, जो सूखी वो मटेरियल है वो आर्टिफिशियली आपको मिल जाता है, ठीक है? और अगर जो पावर जनरेशन सिस्टम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहां, ऐसे जगह पे भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फ्राइएस्ट जनरेट होता है, ठीक है, एज अ वेस्ट मटेरियल। ये सब है हमारा पोजोलाना मटेरियल जिसके अंदर कोई भी टाइप की सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, उसके अंदर वो, हाँ लेकिन काफी बार क्या होता है कि लाइम के कॉन्टेक्ट, लाइम और वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से वो हमें सीमेंटियस मटेरियल दिखता है, ठीक है? तो पोजोलाना का यूज यही रहता है कि उसको हम लोग अलग अलग जगह पे, जैसे सीमेंट के अंदर है ना फिलिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं कॉन्क्रीट के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है उसकी जो डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, परमिएबिलिटी रिड्यूस कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर देता है, काफी जगहों पे शियर स्ट्रेंथ भी हमें ज्यादा मिली है उसके कारण, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करता है कॉन्क्रीट की, परमिएबिलिटी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, तो ये सब उसको जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी हमको कहते हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है जब फ्लाइएस हम उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक, पर उसके क्राइटेरिया वो फ्लाइएस कैसा होना चाहिए कि उसके अंदर क्ले कंटेंट मतलब सिलिका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए और कार्बन कंटेंट कम होना चाहिए, ऐसी ही फ्लाइएस हम कॉन्क्रीट के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके भी क्राइटेरिया है, आप लोग IS 456 में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 20% से ज्यादा हम लोग उसके अंदर ऐड नहीं करते फ्लाइएस वगैरह जो कंटेंट होता है सीमेंट के अंदर वो। तो ये था आपका पोजोलाना, ठीक है, उसकी मैं बात करूं तो दो कंडीशन होती है, तो नेचुरल कंडीशन से हमें मिल जाता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो नेचुरल कंडीशन की बात करूं तो यहां पे मैं उसका टेबल बना देता हूं। नेचुरल पोजोना और दूसरा आर्टिफिशियल पोजोलाना, ठीक है। नेचुरल पोजोलाना की बात करूं तो उसके पॉइंट्स यहां पे मैं लिख देता हूं आपको। सेल्स के अंदर, क्ले के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम, ठीक है, डस्ट, नॉन स्टिकी डस्ट, ये सब से नेचुरल कंडीशन के पोजोलाना। अब मैं बात करूं आर्टिफिशियल पोजोलाना की, तो सबसे पहले तो जो ब्रिक को हम बंद करते हैं उसकी जो वेस्ट मिलती है जिसको हम लोग सुर्खी कहते हैं, ठीक है, वो हो गया आर्टिफिशियल पोजोलाना। तीसरी कोल माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो जनरेट होता है वेस्ट जिसको हम लोग फ्लाइएस कहते हैं वो हो गया हमारा अनदर आर्टिफिशियल पोजोलाना, फ्लाइएस। एंड बंड क्ले, काफी जगह पे पोजोलाना बना तो बंड क्ले, क्ले को बंद करेंगे, ठीक है, जला देंगे और उसका जो पाउडर होगा वो भी मेरा आर्टिफिशियल पोजोलाना बन जाएगा, बर्न क्ले, ठीक है। तो ये थे हमारे नेचुरल आर्टिफिशियल पोजोलाना के कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, यही इतना ही है इसके अंदर पोजोलाना मटेरियल के अंदर। जरूर से आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है, एक बार रिविजन कर देना और काफी IFPP भी रहेगा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम और आपकी GTU एग्जाम के अंदर भी। थैंक यू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नए टॉपिक के साथ।